ग्रीन टेक सहज सोवरेन मल्टीपर्पज कल्याण समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सदस्यों से जमकर आवाज बुलंद की। समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि ग्रीन टेक सहज सोवरेन मल्टीपर्पज कंपनी मुजफ्फरपुर में आई थी। इसका कार्यालय चंद्रलोक चौक धवन कॉम्प्लेक्स में वर्ष 2012 में खुला था। ये कंपनी FDMISRD का खाता चला रहे थे। बहुत सारे एजेंट इसमें भर्ती किए गए और हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ, लेकिन जब कंपनी को पेमेंट करने की बारी आई तो पेमेंट देने से पहले ही कार्यालय बंद हो गया, जिसके बाद मुजफ्फरपुर DM के समक्ष धरना दिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी के खिलाफ पहले भी धरना दे चुके हैं, जल्द कंपनी पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगामी 25 मई को मुजफ्फरपुर समाहरणालय के समक्ष सत्याग्रह करेंगे। के मुजफ्फरपुर और वैशाली का मामला इस मौके पर संयोजक प्रमोद कुमार सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। ग्रीन टच सा सोवरेन मल्टीपर्पज कंपनी आई थी मुजफ्फरपुर में 2012 में। इसका कार्यालय खुला था धवन कॉम्प्लेक्स चंद्रलोक चौक। वहां पे ये FDMISRD का खाता चला रही थी, जिसमें बहुत सारे एजेंट ज्वाइन किए और लमसम हजारों करोड़ रुपया का निवेश हुआ, लेकिन जब इसको पेमेंट देने की बारी आई उसके बाद इस पेमेंट देने से पहले कार्यालय बंद हो गया, जिसके कारण हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ धरना दिए हैं और यहाँ से आश्वासन मिला है कि हम कार्रवाई आगे करेंगे। इसके पहले भी हम लोग धरना दिए हैं और फिर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग 25 मई को यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे। कहाँ का मामला है ये? अपने मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर वैशाली का मामला है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।